हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में बैंडी सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। बैंडी सस्पेंशन का मुख्यतः उपयोग पेट में कीड़े होने की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आइए इस सस्पेंशन के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। इस सस्पेंशन कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस सस्पेंशन के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सस्पेंशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैनकाइंड फार्मा कंपनी का 10 ml का सस्पेंशन आपको मेडिकल स्टोर पर ₹17 में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं सस्पेंशन में मौजूद कंटेंट के बारे में। बैंडी सस्पेंशन में एल्बेंडाजोल IP 200 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एल्बेंडाजोल यह ड्रग इथेलमेटिक के क्लास में आता है। यह आंत के आंतरिक में मौजूद वर्म को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसके कारण वर्म मर जाता है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बात करते हैं सस्पेंशन की यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस सस्पेंशन का मुख्यतः उपयोग पेट में कीड़े होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इस सस्पेंशन का उपयोग परजीवी इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस सस्पेंशन का उपयोग टेप वर्म की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते हैं। टेप वर्म एक प्रकार का सूक्ष्म कीड़ा होता है, जिसे हिंदी में फीता कहा जाता है। टेपवर्म एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जो टेपवर्म के अंडे या लालवा से दूषित भोजन या पानी शरीर के अंदर जाने से होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस सस्पेंशन का यूज करते हैं। इस सस्पेंशन का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस सस्पेंशन का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं पेट में कीड़े होने के लक्षणों के बारे में। पेट में कीड़े होने की वजह से पेट दर्द होना, दस्त की परेशानी होना, थकान महसूस होना, खांसी, मितली उल्टी होना, भूख की कमी होना, यह कुछ पेट में कीड़े होने के लक्षण होते हैं। बात करते हैं सस्पेंशन के डोसेस के बारे में। आप अपने बच्चे की समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस सस्पेंशन का डोज उनसे निश्चित कर ले। याद रखे दोस्तों, इस सस्पेंशन का डोज आपके बच्चे के वजन और समस्या पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इस सस्पेंशन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से बताए गए साइड इफेक्ट होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से आपके बच्चे को मितली, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द, बुखार, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सस्पेंशन को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपके बच्चों को इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर उन्हें इस सस्पेंशन में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है, तो आप इस सस्पेंशन का यूज न करें। अगर आप अपने बच्चों को पहले से ही कोई अन्य सस्पेंशन, एंटीबायोटिक टैबलेट दे रहे हो, तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस सस्पेंशन का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपके बच्चों को लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं इस सस्पेंशन का यूज न करें। इस सस्पेंशन को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें, इसे अच्छी तरह से हिलाएं और बाद में अपने बच्चों को दे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।